अस्सलाम वालेकुम। छोटी छोटी कहानियों के साथ स्पैनिश सीखने वाले सेगमेंट को लेके मैं हूँ विकास अक्रम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कहानी नंबर 6। अगर इससे पहले आपने पहली जो 5 कहानियां हैं वो नहीं पढ़ी, नहीं देखी, तो मैंने स्पेशल उनको एक प्लेलिस्ट में डाल दिया है। अगर आप तो स्पैनिस्तान की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आप देखेंगे कि डेले की तकरीबन सारी प्लेलिस्ट मैंने यहाँ से डिलीट कर दिए हैं। सिर्फ एक ही प्लेलिस्ट छोड़ी है, बाकी सारे जो स्पेनिश में स्टोरीज की एक प्लेलिस्ट है, दूसरी वोकैबुलरी की है, और साथ में भी एक ग्रामर की भी मैं वो प्लेलिस्ट बना दूंगा। तो अगर आपने पिछली 5 स्टोरीज नहीं देखी तो आपको इस प्लेलिस्ट में वो तरतीब के साथ मिल जाएंगी, और अगली सारी जो स्टोरीज होंगी वो मैं इसमें ऐड करता जाऊंगा। तो आइए बिना किसी ताखीर आगाज करते हैं आज की जो हमारी कहानी है उसका। इसमें जो कैपिटुलो 2 है उसका नाम है ला बुस्केदा। ला बुस्केदा कहते हैं तलाश को, किसी चीज की भी तलाश को कहते हैं ला बुस्केदा। शुरू होती है ये कहानी आस्पिस तो इस सिल्विया। सिल्विया तुमने ये देखा है? सी हाँ, के रायसो, ये क्या था? नो लो से, मुझे नहीं पता। पेरो एरा उना क्रियातुरा मुई ग्रांडे ई मुई फेया, मुझे नहीं पता, लेकिन वो एक ऐसी बहुत बड़ी चीज थी और बहुत ही बदशकल बदसूरत। के हासेमोस आउरा खोरखे, खोरखे अब हम क्या करें? वामोस आ पोर एला, हम उसके पीछे जाएं। वामोस आ पर्सेगिरला, क्या हम उसका पीछा करेंगे? पोर सुपुएस्टो, बिल्कुल, क्यों नहीं। Jorge y Silvia salen de la casa vieja de madera. Jorge और सिल्विया उस पुराने लकड़ी के घर से निकलते हैं। Y persiguen las huellas de la criatura en el bosque. और वो पीछा करते हैं जो पांव के निशान है उस चीज के, उनका जंगल की जानिब। Hay muchos árboles y muchos caminos. वहां पे बहुत ज्यादा दरख्त और बहुत ज्यादा रास्ते भी। Dice Jorge. Jorge ने कहा, Tenemos que separarnos. हमें अलग-अलग जाना चाहिए। Estás loco, Jorge. तुम पागल हो, Jorge. Separarnos. अलग-अलग से जाना। Hay una criatura muy fea y grande suelta y no sabemos lo que es. वहां पे एक चीज है जो कि बहुत बड़ी और बदशक्ल है और वैसे ही घूम रही है और हमें पता भी नहीं कि वो क्या है, और तुम कह रहे हो कि हम अलग अलग से हो जाएं। लो से सिल्विया, सिल्विया मुझे पता है। पेरो सी पोडेमोस ग्रावार ला कोन एल मोबिल किजा साल्द्रेमोस एन लास नोटिसियास। लेकिन अगर हम मोबाइल के साथ उसकी वीडियो बना लें तो शायद हम खबरों में भी निकलें। के मासदा, इससे क्या होगा या इसका क्या फायदा है? के मास्ता, यो क्वियरो सालिर एन लास नोटिसियास, मैं खबरों में आना चाहता हूं। के टोंटो एरेस अ वेसेस, जोर्जे, जोर्जे कभी कभार तो तुम बिल्कुल बेवकूफ लगते हो। एन फिन, वामोस अ सेपारारनोस, ठीक है हम एक दूसरे से अलग अलग होके ढूंढते हैं उसे। दोस होरास देस्पुएस, 2 घंटे बाद सिल्विया ई जोर्जे अंदावन पोर एल बोस्के पेरसिगियंदो वाला क्रियातुरा। 2 घंटे बाद सिल्विया और खोरखे जंगल में चल रहे थे उस चीज का पीछा करते हुए। पेरसिगियंदो, पीछा करते हुए। सिल्विया नो क्रेइया के ला क्रियातुरा फुएसे रियल, सिल्विया को यकीन नहीं आ रहा था कि वो चीज एक असली हो, रियल लाइफ में वो चीज उन्होंने देखी। Ella pensaba que la criatura sería un bromista disfrazado. वो समझती थी कि ये जो चीज है ये कोई बंदा ही है जो कि सिर्फ डराने के लिए या मजाक करने के लिए उसने इस तरह का बेस पहना हुआ है। En cambio, Jorge pensaba que era una criatura real. इसके बारेक्स जोर्जे समझता था कि ये एक चीज जो है ना, जो भी है, ये एक रियल चीज है। Un tipo de animal que había sobrevivido en los bosques y que nunca había sido grabado. ये एक टाइप का जानवर है जो कि जंगल में जिंदा रह रहा है और आज तक किसी ने इसको, इसकी फिल्म नहीं बनाई, इसको ग्रावार नहीं किया, इसकी वीडियो नहीं बनाई। जोर्जे llegó a una montaña.
होर्खे एक जो पहाड़ है उस तक पहुंचा, एक पहाड़ी तक पहुंचा। एन ला मोंटाना अभी आउना कुएवा, पहाड़ी पे एक गार थी। देंत्रो दे पोको इबा हसेरसे दे नोचे, और कुछ ही देर बाद शाम होने वाली थी। असी के एंत्रो इन ला कुएवा, तो वो उस गार में दाखिल हो गया। सी एंत्रावा इन ला कुएवा दे नोचे, अगर वो रात को उसमें दाखिल होता, नो अब्रिया लूस अल सालीर, तो निकलते वक्त रोशनी नहीं होनी थी। साको इल मोबिल दे सु बोलसियो, उसने अपने जो जेब है उससे अपनी पॉकेट से मोबाइल निकाला। ई कोमेंसो आ ग्रावार, और वीडियो बनाना शुरू कर दिया। देंत्रो दे ला कुएवा नो अब्रिया नादा, गार के अंदर कुछ भी नहीं था। पेरो दे रेपेंते, लेकिन अचानक से ओयो उन ग्रीतो, एक आवाज आई, शोर हुआ। एरा ला क्रियातुरा एवा आसिया एल, और वो वही चीज थी जो उन्होंने पहले देखी थी, और वो उसी की जानिब आ रही थी। सिल्विया येवा ओरा सिन सावेर नादा दे होर्खे, सिल्विया को घंटे हो गए थे कि उसको होर्खे के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। नो सविया दोंदे एस्टावा, उसको नहीं पता था कि वो कहाँ है। ई एन एस ए सीटियो सु मोबिल नो तेनिया कोबेर्तुरा, और उस जगह पे उसके मोबाइल में सर्विस भी नहीं थी। एया बोलबियो वाला कैसा वियेखा, वो पुराने घर जो लकड़ी का घर था पहले, उसमें वो वापस आई। पोरके या एरा दे नोचे, क्योंकि रात डल चुकी थी। अबिया उना वियेखा कामा ई से सेंटो एन एया पारा एस्पेरार आ होर्खे, वहां पे एक पुराना बेड था जिसके ऊपर ये बैठ गई होर्खे का इंतजार करने के लिए। साको दे सु मोचिला उन ट्रोफो दे सैंडविच, उसने अपने बैग से एक सैंडविच का पीस निकाला। ई लो कोमियो, और खा लिया। अल फिनाल आखिरकार से केदो दोर्मीदा, वो सो गई। सिल्विया से डेस्पेर्टो अल दिया सिगियेंटे, सिल्विया उससे अगले दिन जागी। होर्खे नो एस्टाबा, होर्खे वहां पे नहीं था। सिल्विया एम्पेसो आ प्रेगुपार से, तो सिल्विया परेशान होना शुरू हुई। मूचो पोरेल, बहुत ज्यादा होर्खे की वजह से। आसी के डेसिडियो सालिर दे ला कासा की सालिर देल मोंते, तो उसने डिसाइड किया, फैसला किया उस घर से निकलने का, और उस पहाड़ी से भी। Anduvo horas y horas bajo el camino por donde habían venido el día anterior. उसने कुछ घंटे जो है ना, वो चलती रही उसी उसी रास्ते में जहां से वो एक दिन पहले आए थे। y llegó a ver un pueblo, और उसने एक गांव देखा। El pueblo estaba muy animado, जो वो गांव था वो बहुत बहुत ज्यादा खुशहाल था। Todas las familias salían a trabajar, सारी जो फैमिलियां थी वहां की वो काम के लिए निकलती थी। Los niños jugaban, जो बच्चे थे वो खेलते थे। y corrían para ir a clase, और क्लास को जाने के लिए दौड़ रहे थे। Los coches arrancaban y olía a la comida del desayuno, जो गाड़ियां हैं वो स्टार्ट हो रही थी और नाश्ते की खुशबू आ रही थी। सिल्विया से अफेरको वाल रेस्टोरेंट मास फेरकानो, सिल्विया नजदीक गई जो उसके पास रेस्टोरेंट था उसके। एंट्रो वाल रेस्टोरेंट y había mucha gente desayunando, वो रेस्टोरेंट में दाखिल हुई तो वहां पे बहुत ज्यादा लोग नाश्ता कर रहे थे। gente de todas las edades, लोग जो के तकरीबन हर एज के थे। फैमिलियास एंटेरास, सारी की सारी फैमिलीज। जोवेनेस y ancianos, जवान और बूढ़े। नो सबिया के डेसिर, उसे पता नहीं चल रहा था कि क्या कहे। नी तंपोको के प्रेगुंतार, और ना ही के पूछा क्या जाए। से अफेरको अल कमरेरो दिल रेस्टोरेंटे y le dijo, तो वो जो रेस्टोरेंट का वेटर था उसके नजदीक गई और उसे कहा, ओला सेन्योर, ओला जोवेनसीता, के देसेया, ओला नौजवान लड़की,
¿Qué chatijo? ¿Qué desea? ¿Puedo usar el teléfono del restaurante? ¿Ya me restaurant ka teléfono istemal kar sakti hun? Por supuesto que puede. Bilkul kyun nahi? Kar sakti ho. Está en esa pared de allí. Jo teléfono hai wo us deewar pe hai. Gracias. ¿Desea algo más? ¿Koi aur cheez chahiye? No. Muchas gracias, señor. Bohot bohot shukriya. Kuch nahi chahiye. Silvia se acercó al teléfono de la pared y marcó el número de Jorge. Silvia टेलीफोन के नजदीक गई, दीवार वाले के और उसने जोर्जे का नंबर मिलाया। Quizás el problema era su móvil, pero no. शायद उसको ऐसे लगता था कि उसके मोबाइल में कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन ऐसा नहीं था। El teléfono no dio ninguna señal, तो जोर्जे के मोबाइल से कोई भी किसी किस्म का कोई सिग्नल नहीं आ रहा था। Se puso a pensar y decidió llamaría a casa de Jorge. तो वो सोचने लग पड़ी और उसने डिसाइड किया कि वो जोर्जे के घर कॉल करेगी। El teléfono sonó una vez, dos veces, tres veces. टेलीफोन की रिंग हुई एक दफा, दो दफा और तीन दफा। ¿Por qué nadie lo cogía? क्यों कोई भी अटेंड नहीं कर रहा था? सिल्विया नो साबिया के एस्टाबा पासांडो। सिल्विया को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था क्या चल रहा है। नॉर्मलमेंटे एल हेरमानो दे जोर्जे एस्टाबा इन कासा पोर लास मानियानास। आमतौर पर जोर्जे का छोटा भाई घर ही होता था सुबह के टाइम, पोर्के एल ट्रबाहाबा डेस्डे कासा, क्योंकि वो घर से काम करता था। यामो पोर सेगुंडा वेज पेरो नो अबिया रेस्पुएस्टा। उसने दूसरी दफा कॉल मिलाई लेकिन कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। Entonces Silvia salió del restaurante y se sentó en un banco de la calle. तो सिल्विया उस रेस्टोरेंट से निकली और एक बेंच पे बैठ गई जो कि गली में था। Allí se puso a pensar otra vez, और वहां वो सोच में पड़ गई एक दफा फिर। Silvia era una mujer muy inteligente y pensaba siempre que había problemas, nunca solía ponerse demasiado nerviosa. Silvia एक बहुत ही ज़हीन औरत थी और वो हमेशा जब भी कुछ प्रॉब्लम्स होती थी तो वो सोचती थी। कभी भी वो नर्वस या ज्यादा नर्वस नहीं होती थी। से लेवांतो देल बैंको, वो बेंच से उठ पड़ी। ई से डेसिडियो, और वो डिसाइड किया उसने, इरिया डायरेक्टमेंटे आ कासा दे जोर्जे। वो सीधी जोर्जे के घर जाएगी। Quizás él tampoco había encontrado nada y había vuelto a su casa. हो सकता है शायद उसे भी कुछ ना मिला हो और वो सीधा घर चला गया हो। Llamó a un taxi por la calle. उसने सड़क पे गली में एक टैक्सी को बुलाया y habló con él mientras iban a casa de Jorge. तो उसके साथ उसने बातचीत भी की जिस दौरान वो जोर्जे के घर जा रहे थे। ¿Cómo te llamas? dijo el taxista. जो टैक्सी वाला था उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? सिल्विया, मैं llamo सिल्विया, मेरा नाम सिल्विया है। ¿Y qué haces, Silvia? ¿Tú qué करती हो? ¿Vas al trabajo? ¿Caam pe jaati ho? No, nahi. Voy a ir a visitar a un amigo a su casa. Main ek dost ko visit karne uske ghar ja rahi hu. ¡Qué envidia! Afsos, yo tengo que trabajar todo el día. Mujhe sara din kaam karna hai. Silvia no dijo nada más. To Silvia ne kuch bhi nahi kaha. El taxista era un hombre muy simpático y hablador. टैक्सी वाला एक बहुत ही अच्छा इंसान था और बहुत ज्यादा बोलने वाला भी। Pero ella no quería hablar, लेकिन वो बोलना नहीं चाहती थी। Solo quería encontrar a Jorge. सिर्फ और सिर्फ वो जोर्जे को ढूंढना चाहती थी। No creía que hubiese ninguna criatura extraña en el bosque.
वो इस चीज पे यकीन बिल्कुल भी नहीं रखती थी कि जंगल में कोई जो चीज उन्होंने देखी थी इस तरह की कोई चीज है। पेरो केरिया सावेर दोन्दे एस्टावा सु अमीगो, लेकिन वो जानना चाहती थी कि उसका दोस्त कहाँ है। या एस्टामोस सिल्विया, सिल्विया हम पहुंच गए, सोन 9,50 €, तुम्हारे बनते हैं 9 यूरो और 50 सेंट। तो मैं के देसे लास बोलतास, ये लें और बकाया भी रख लें। ग्राफियास टेंगा उन बोइन दिया, शुक्रिया आपका दिन अच्छा गुजरे। उस्तेद तामियन आपका भी। सिल्विया से बाहो दिल टैक्सी y anduvo hasta la casa de Jorge। सिल्विया टैक्सी से उतरी और खोरखे के घर तक चलती गई। ला कासा एरा मुई ग्रांडे y बोनीता, घर बहुत बड़ा था और खूबसूरत भी। तेनिया दोस पीसोस, दो मंजिलें थी उसकी, खार्डीन y गराहे, बाग और गैरेज भी। प्रोपियोस आपने। Estaba ubicada en un barrio muy bonito y tranquilo। घर एक ऐसे मोहल्ले में था जो कि बहुत खूबसूरत और पुरसकून था। Con casas grandes y tiendas que vendían fruta, pan y todo lo necesario। वहां पे बड़े बड़े घर थे, दुकानें थीं जहां पे फ्रूट, पान और हर किस्म की जो जरूरत की चीज थी वो वहां से मिलती थी। एल कोचे दे जोर्जे एस्टाबा अडेलांटे दे ला कासा। जोर्जे की गाड़ी घर के सामने थी। एस्टारिया जोर्जे देंत्रो? क्या जोर्जे गाड़ी होगा अंदर ही होगा? आबरिया जमा दो असु फैमिलिया, तो क्या उसने घर कॉल की होगी? नो लो इंटेंडो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। सी जोर्जे हुबिएसे को cogido el coche para volver a casa, ¿por qué no tengo ningún mensaje en el móvil? तो अगर जोर्जे ने गाड़ी अपनी ली हो घर वापस आने के लिए, तो मेरे मोबाइल पे कोई भी मैसेज क्यों नहीं है? सिल्विया यामो आला पुर्ता 3 बेसेस। सिल्विया ने घर की घंटी 3 दफा बजाई, पेरो नादिए कॉन्टेस्टो, लेकिन किसी ने भी जवाब नहीं दिया। Preocupada fue hacia la casa de sus dos amigas। बहुत ही preocupada, परेशान हालत में वो अपनी दो जो उसकी सहेलियां थी उनके घर गई। क्लाउडिया y Verónica, उनमें से एक का नाम क्लाउडिया था और दूसरी का वेरोनिका। Sus dos mejores amigas tampoco estaban en casa y sus móviles estaban apagados। तो उसकी जो दो बेस्ट फ्रेंड्स थी वो भी घर नहीं थी और उनके मोबाइल भी बंद थे। Algo raro estaba pasando y no podía entenderlo। कुछ बहुत ही अजीब सी सिचुएशन थी और उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। Todos sus amigos y amigas habían desaparecido desde que se encontraron con aquella extraña criatura। उसके सारे के सारे दोस्त और सहेलियां गुम हो गए थे उस दिन से जब से, या उस वक्त से जब से उसने वो एक अजीब सी चीज देखी हो। Decidió tomar la iniciativa y descubrir qué era esa criatura। तो उसने डिसाइड किया कि वो अब जान के रहेगी वो चीज क्या है। No creía que fuese una criatura। वो इस चीज पे तो यकीन नहीं रखती थी कि वो एक अजीब सा जानवर है। पेरो ला यामाबा सी, लेकिन वो इसको इसी तरह से बुलाती थी। Seguramente era un oso, lobo o algo parecido। यकीनन वो एक भेड़िया या कोई इस तरह का जानवर है। En la casa había poca luz y no pudieron verlo bien, क्योंकि घर में कोई सही तरह से वहां पर रोशनी नहीं थी, तो इन्होंने सही तरह से उसको देखा नहीं। Pocos minutos después, थोड़े ही टाइम बाद, थोड़े ही मिनट्स बाद, cogió otro taxi y volvió al camino para entrar en el bosque। तो उसने एक और टैक्सी ली और उस रास्ते पे चली गई जहां से वो जंगल में दाखिल हो, y en el lago और उस झील में। anduvo por el camino varios minutos, कुछ मिनट्स उसने पैदल सफर किया, y allí pudo ver la casa vieja, और उसको वो पुराना घर नजर आ गया, de madera, जो के लकड़ी का था। Esta vez había algo diferente।
इस दफा वहां पे कुछ मुख्तलिफ था। अबिया लूस देंत्रो दे ला कासा, घर के अंदर रोशनी थी। तो आज की कहानी यहाँ पे खत्म होती है। अब मैं आपको ऐसे अल्फाज दिखाता हूं जो कि थोड़े से मुश्किल थे या थोड़े से नए थे हमारे लिए। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको इस कहानी की सही तरह से समझ आ जाए, और उसके बाद आपको मैं क्वेश्चंस दिखाता हूं हमेशा की तरह, जिनका आप कमेंट्स में जवाब दे सकते हैं। ये वो अल्फाज हैं, तो ये इनका आप उर्दू तर्जमे के साथ स्क्रीनशॉट ले लें। और अब मैं आपको दिखाता हूं जो क्वेश्चंस हैं मल्टी ऑप्शन, जिनका आपने जवाब दें। तो ये वो पांच क्वेश्चंस हैं। सिल्विया क्रे के ला क्रियातुरा, होर्खे से इंक्वेंट्रा कौन, सिल्विया दुर्मे एन, अल डेस्पेर्टार से सिल्विया, अल वोल्वेर अल लागो सिल्विया बे। ये पांच क्वेश्चंस हैं, तो इनका आपने जवाब देना। आज की क्लास का, आज की कहानी का यहाँ पे करते हैं इख्तिताम। उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। Thank you.